वाह, ये स्ट्रेंज का उड़ता घाघरा यहाँ भी पहुँच गया। और मैं भी आपका वफादार। तेरी तो मैं हाँ बच्चा हूँ गाली नहीं, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। मैं घर ही जा रहा था, मुझे कुछ नहीं लेकिन नीचे जाने में इतना टाइम लग रहा था कि मुझे आपको सुना मैंने क्या लगा और मैं एलियन शिप के साइड में चिपक गया। और ये सूट तो भयंकर ऑटोमैटिक है सच में, इसलिए देखा जाए तो इस समय गलती आपकी है। क्या कहा तुमने अभी? सॉरी सॉरी, जबान फिसल गई। खैर अब तो मैं स्पेस में आ गया। आ गए, जबकि मैं नहीं चाहता था कि तुम यहाँ आओ। देखो बच्चे, ये कोई स्कूल की पिकनिक या सैर सपाटा नहीं है, वन वे टिकट है, समझ रहे हो तुम? तुम्हें सोच समझ के आना चाहिए। सोच समझ कर ही आया हूं। अच्छी तरह सोच समझते तो नहीं? अगर शहर ही नहीं बचेगा तो शहर बचाने वाला स्पाइडरमैन किसका होगा? जानता हूं फिल्मी डायलॉग लग रहा है, पर अब समझ गया ना मैं क्या कह रहा हूं। नीचे देखो, वो मुसीबत में, बोलो क्या प्लान है, बोलो। आइडिया, आपने वो फिल्म देखी, म्यूजियम के अंदर फंस गया बंदर। कष्ट हो रहा है ना? ये सब माइक्रो सर्जरी के लिए बनाई गई थी और इनमें से कोई भी सुई चुटकी में तुम्हारे दोस्त का काम तमाम कर देगी। ये मेरा कोई दोस्त वोस्त नहीं है, लेकिन सुपर हीरो हूं तो जान बचाना मेरा फर्ज है। कुछ नहीं बचा सकते तुम, तुच्छ है तुम्हारी शक्तियां मेरी शक्तियों के आगे। हाँ, लेकिन पिक्चरों के मामले में तो छोटू आ गया। कर लिया। रुको, वो क्या है? यार हमारा इंट्रो नहीं हुआ। को हमें इस जहाज को वापस मुड़ना होगा। लो, अब भागना है तुम्हें, सही है? नहीं, मुझे मणि को बचाना है और मुझे तुमसे थैंक यू सुनना है अभी। चलो बोलो। किस लिए? मुझे अंतरिक्ष में फेंकने के लिए। तुम्हारी जादुई तशरीफ किसने बचाई? मैंने। समझ में नहीं आता तुम्हारा ये घमंड तुम्हारे हेलमेट में फिट कैसे होता है। और पता है, जब मैंने तुमसे कहा था अगर तब भाग जाते तो शायद बच जाते। अब घमंडी मैं हूँ या तुम? तुम्हारे पिट्ठों की तरह मैं तुम्हारे हुक्म का गुलाम नहीं हूँ। और उसी वजह से हम इस उड़ते मेदू वड़े पर धरती से कोसों दूर आ फंसे हैं, वो भी बिना बैकअप के। मैं हूं ना बैकअप। अपनी तूतनी बंद रखो, दिख नहीं रहा बड़े बात कर रहे? सॉरी, मैं समझा नहीं, तुम दोनों का रिश्ता क्या है? क्या क्या मतलब क्या है? तुम इसकी आया हो क्या? नहीं, मैं पीटर हूँ। और आप? डॉक्टर स्ट्रेंज। ओह, डॉक्टर भी, जादूगर भी, तो मैं स्पाइडर भी, मैन भी। ये जहाज अपने आप रास्ता बदल रहा है, ऑटो पायलट पर चल रहा है। इसे मोड़ सकते हैं घर की तरफ। स्टार्क, हाँ? क्या तुम हमें घर ले जा सकते हो? हाँ सुना मैंने, लेकिन सोचता हूँ हमें घर नहीं जाना चाहिए। चाहे जो भी हो, मैं ये समय मणि थैनोस के हवाले कभी नहीं करूंगा। तुम समझ नहीं रहे इस वक्त कितना कुछ दांव पर लगा है। तुम नहीं समझ रहे हो कि ये डरावना सपना 6 साल पुराना है जो थैनोस बनकर मेरे सामने आया है। पहले उसने अपनी आर्मी न्यूयॉर्क भेजी थी और आज वो खुद लड़ने आ गया है। और मेरे पास कोई प्लान नहीं है। मैं तो ये भी नहीं जानता कि थैनोस से कहां लड़ना चाहिए, उसके घर या हमारे घर। लेकिन तुमने देखा उसके आदमियों ने क्या किया और वो क्या कर सकते हैं। उसके घर में उसे हमारी कोई उम्मीद नहीं होगी, इसीलिए हमें ये लड़ाई वहीं लड़नी चाहिए। डॉक्टर सोच क्या रहे? ठीक है स्टार्क, हम वहां जाएंगे, पर एक बात याद रहे, अगर कोई मुसीबत आई तुम पर, इस पिट्टू पर या समय मणि पर, तो मैं मणि को ही बचाऊंगा बिना किसी हिचकिचाहट, तुम्हें नहीं, क्योंकि ब्रह्मांड का भविष्य दांव पर लगा है। सही है, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, डटे रहना।